नमस्कार, मैं हूँ आरती परब। ये है प्रगति टाइम्स न्यूज रील। आज के मुख्य समाचार। 15 जनवरी से लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल करने के लिए 0 लगाना होगा। चक्रवात निवार ने पार किया तमिलनाडु और पांडिचेरी समुद्र तट। हरियाणा की सीमाओं पर इकट्ठा हुए हजारों किसान। जलवायु परिवर्तन को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की पैरवी। किसान मार्च, दिल्ली बॉर्डर पर बढ़ाई गई सुरक्षा, डाइवर्ट की गई ट्रैफिक। किसान आंदोलन के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो की सेवाओं में बदलाव। गोवा के हवाई अड्डे और रेलवे स्थानकों पर दूसरे राज्य से आए यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग होगी। गोवा के मुख्यमंत्री सावंत ने तुलसी विवाह के मौके पर जनता को दी शुभकामनाएं। गोवा में सरकार द्वारा प्रसिद्ध फुटबॉल आइकन स्वर्गवासी डियागो मार्डोना का पुतला होगा स्थापित। गोयंत कोलचा नाका के कार्यकर्ताओं ने सचिवालय के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। सामाजिक कार्यकर्ता, लेखक और कवि दादू मन लेकर नहीं रहे। एलियंस एयर कंपनी गोवा से मुंबई और मुंबई से गोवा में रोजाना फ्लाइट शुरू करने की तैयारी में। गोवा के सचिवालय पड़ोजी में संविधान दिवस मनाया गया। पैतृक गांव में सुपुर्ते खाक हुए हैं, अहमद पटेल, राहुल गांधी रहे मौजूद। चक्रवात निवार अमित शाह ने तमिलनाडु और पांडिचेरी के मुख्यमंत्रियों को दिया मदद का भरोसा।